एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज का जो प्रोडक्ट रिव्यू है ये है लॉरियल पेरिस की तरफ से रिवाइटल लिफ्ट। एंड ये आई थिंक मेरे अब तक के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में से बेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव एवर यूज्ड, मैं ये बोल सकती हूँ। बिकॉज मैंने बस 3 से 4 दिन ही अभी यूज किया है इसे। एंड गाइस, सीरियसली बोलूं तो लाइक इट्स अमेजिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाई ये इतने अमेजिंग है। गाइस, ये 3-4 दिन जो मैं यूज की हूँ उसके बाद मुझे इतना अमेजिंग इफेक्ट है, मुझे इतना अमेजिंग मेरी अपनी स्किन फील हो रही है। तो मैंने सोचा इसका रिव्यू बनता है। तो फर्दर बात करते हैं, बट उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको क्लिक करना ना भूले प्लीज। वो क्लिक करने से मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसकी क्या खास बात है। सो गाइस, प्रोडक्ट के डिटेल्स के बारे में बात करने से पहले प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको 3 डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होगा। ये वाला छोटू वाला जो है प्रोडक्ट है, इसका प्राइस अराउंड 250 के नियर अबाउट है। एंड देन उसके बाद जो 65 ml का है उसके प्राइसेस ज्यादा है, 600 या 700 के नियर अबाउट। देन जो सबसे बड़ा वाला जो बॉटल है इसका, उसका प्राइस आई थिंक 1000 से अबव है। तो मैंने छोटे वाला प्रोडक्ट इसलिए परचेस किया था कि मैं नहीं चाहती थी कि अगर ये सूट ना करे मेरे ऊपर तो पैसे वेस्ट हो अगर डायरेक्ट मैं बड़ा वाला प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ तो। बट गाइस, ये टोटल वेस्ट नहीं है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये छोटू वाला पैक फिनिश होते ही मैं बड़ा वाला पैक डेफिनेटली परचेस करने वाली हूँ। क्यों परचेस करने वाली हूँ? क्योंकि इसकी जो स्पेशलिटी है, ये तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये एक इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये टोटली वाटरी कंसिस्टेंसी है। लाइक जैसे टोनर की कंसिस्टेंसी होती है ना एकदम वाटरी, वैसी कंसिस्टेंसी है। तो वाटरी कंसिस्टेंसी मतलब आपके स्किन में ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपके स्किन को मतलब बहुत लाइट वेट फॉर्मूला में है ये। आपके स्किन पे वो हैवीनेस फील नहीं होगा। जैसे हम नॉर्मल जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि स्किन पे हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ, तो वो एक चिपचिपापन, वो एक हैवीनेस सर रह जाता है। बट ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, इसको अप्लाई करने से आपके स्किन एकदम लाइट वेट, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ, बट स्टिल आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, आपके स्किन पे इंस्टेंट एक ग्लोइंग निखार रहेगा इमीडिएटली। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट प्रेजेंट मैंने अपने स्किन पे कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज किया हुआ है सिवाय इसके। जस्ट मैंने अपने आईब्रोज किए हैं एंड लिप्स किए हैं, देन थोड़ा सा मैंने काजल अप्लाई किया हुआ है, दैट्स इट। नथिंग इज ऑन माय फेस, मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट मेरे फेस के ऊपर नहीं है। सो गाइस, ये प्रोडक्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है? तो बेसिकली इसके जो माइक्रो एसेंस होते हैं जो है ना, वो आपके स्किन के 10 लेयर डीपली जाके आपके स्किन को लाइक पेनिट्रेट करते हैं, आपके स्किन को स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको फिक्स करते हैं एंड आपके स्किन पे इंस्टेंटली एक ब्राइटनेस लाता है। साथ साथ आपके स्किन को ये स्मूथ बनाता है, आपके स्किन पे मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड वन मोर थिंग कि ये आपके स्किन को बहुत हाइड्रेट भी करता है। तो इसके जो मेन 2 इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसके, एक सैलिसिलिक एसिड हो गया एंड दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सेंटेला एसियाटिका, विच इज रियली गुड। तो जो सैलिसिलिक एसिड है ये क्या वर्क करता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? इसके मेन बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये आपके स्किन को माइल्डली एक्सफोलिएट करता है एंड एक्सफोलिएट करने के साथ साथ ये आपके स्किन के डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, आपके पोर्स को रिफाइन करता है, आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है जिससे आपकी स्किन हेल्दी एंड ग्लोइंग लगती है। एंड ऑल्सो ये आपके स्किन मतलब डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके आपके स्किन पे एक आपकी नए स्किन को रिजेनरेट करता है, विच इज रियली गुड। एंड आई थिंक अगर आप डेली बेस पे ये वाली चीज अप्लाई करते हैं एंड डेली आपको एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिलने वाली है एंड आपके स्किन पे इंस्टेंट निखार सा होने वाला है विदाउट फीलिंग हैवी ऑन योर स्किन। सो या एंड जो सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है इसका सेंटेला एसियाटिका,
वो क्या वर्क करता है, उसके क्या बेनिफिट्स है। वो एक्चुअली एक तरीके का लीव होता है, लीव्स होते हैं, प्लांट के लीव्स होते हैं। तो इसमें ना हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होती है। तो आपके स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ये बहुत अच्छे तरीके से हील करता है। आपको आपको एक्ने प्रोन स्किन है या फिर आपकी स्किन पे पिंपल्स है, आपको एजिंग की प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें ये हील करेगा। और एक खास बात ये भी है कि आपके स्किन के जो एंटी एजिंग वाले जो रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस हैं, उनको भी ये स्मूथ आउट करने में हेल्प करेगा एंड आपके स्किन को बचाएगा कि ये आपके स्किन पे जल्दी वो एजिंग वाले चीजें आप फाइन लाइंस एंड रिंकल्स ना आए। सो ये लाइक ऑल इन वन प्रोडक्ट ये वर्क कर रहा है, विच इज लाइक रियली अमेजिंग। एंड सीरियसली बोलूं, मुझे 3 से 4 बार ही यूज किए हुए हुआ है एंड आई एम स्टार्टिंग लविंग इट। एंड किसी भी प्रोडक्ट को मतलब अच्छा रिजल्ट पाने के लिए उसे कंटिन्यू हमें यूज करना पड़ता है अच्छे तरीके से, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। सो या इसको यूज करने का तरीका क्या है, तो इसको यूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। आप चाहे फेस वॉश हो या क्लींजर हो, आप क्लीन कर लीजिए। एंड टोनर तो बेसिक होता है, आप टोनर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद इसे जस्ट इस प्रोडक्ट को जस्ट आपको 4 से 5 बूंद, उससे ज्यादा नहीं, वे मोर देन एनफ है, 4 से 5 बूंद अपने पाम के ऊपर लेना है एंड बस थोड़ा सा डैप कर देना है अपने पाम के ऊपर। डैप करने के बाद अपने स्किन पे भी, जस्ट अपने स्किन पे भी दोनों पाम को रख के पुश करके, डैब करके, डैब करके अप्लाई करना है। आपको रब नहीं करना है, आपको मसाज नहीं करना है। आप पहले अपने चीक बोन्स के ऊपर डैब करेंगे, उसके बाद अपने फोरहेड पे डैब करेंगे, अपने लोअर चिन पे डैब करेंगे। इस तरीके से डैबिंग पोर्शन में करते हुए आप ऑल ओवर अपने स्किन पे डैबिंग मोशन में ही आप इसे अप्लाई कर लेंगे एंड ये इंस्टेंटली आपको समझ में आएगा कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज फील हो रही है, आपके स्किन पे एक इंस्टेंट सा ब्राइटनेस आ गया है, आपकी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आ गया है। तो इसके बाद आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, अगर आपको मेकअप प्रोडक्ट यूज करना है तो यूज करते हैं कर सकते हैं। एंड नाइट के टाइम में जस्ट यही ये वाला प्रोडक्ट अपने स्किन को क्लीन करके, जस्ट यही वाला प्रोडक्ट यूज करके आप सो जाइए, दैट्स इट। एंड आपकी स्किन ओवरनाइट रिपेयर होती रहेगी, आपको ओवरनाइट जितने भी बेनिफिट्स है सारी चीजें मिलेंगे। सो आई होप आपको मेरा ये लोरियल पेरिस का ये प्रोडक्ट रिव्यू अच्छा लगा होगा। एंड तो प्लीज लाइक जरूर करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आपको अच्छा लगा तो। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके परचेस कर सकते हैं जो भी साइज में आप परचेस करना चाहते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि छोटे प्रोडक्ट से ही ट्राई कीजिए, ट्राई करने के लिए छोटा प्रोडक्ट अच्छा सही रहता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप फर्दर आप परचेस कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आई एम taking a leave now, bye bye, take care and don't forget to be beautiful, see ya.